हाय गाइस, बहुत दिनों से मैं ये लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और कुछ दिन इस लैपटॉप को यूज करने के बाद मेरा फेवरेट लैपटॉप बन चुका है, क्योंकि देखो ये पावर भी लेकर आ रहा है, अच्छी डिस्प्ले भी है और काफी ज्यादा लाइट वेट है। ये है सैमसंग गैलेक्सी बुक 2 प्रो। ऑब्वियसली ये एक प्रीमियम लैपटॉप है जो कि इंटेल के ईवो सीरीज के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो आई थिंक ये लैपटॉप है ना प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सेंस बनाएगा। सारी बातें डिटेल में बताऊंगा। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचय, चैनल का नाम है टेक बार। आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। सबसे पहले मैं आप लोग को ये गाइड करना चाहूंगा कि एक्चुअली में इंटेल ईवो लैपटॉप्स होते क्या है। हर साल है ना इंटेल जो है एक गाइडलाइन सेट करता है ईवो सीरीज के लिए कि एटलीस्ट ये फीचर तो होने चाहिए, और हर साल एक नई जेन आती है। अभी जो है ये सारे लैपटॉप्स इंटेल ईवो के थर्ड जेन पे है। इन ईवो सीरीज के ना बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, जैसे कि 12th जेन प्रोसेसर होना चाहिए, इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स होने चाहिए और स्क्रीन के बेजल्स जो है थिन होने चाहिए, और लैपटॉप जो है विद इन 1 सेकंड वेक हो जाना चाहिए अगर आप लिड उठाते हो तो, और इंटेल की वाईफाई 6 ई टेक्नोलॉजी भी सपोर्ट होना चाहिए, और अगर लैपटॉप में फुल एचडी डिस्प्ले है तो यहाँ पर 10 आवर प्लस की बैटरी लाइफ होनी चाहिए, और इसमें फास्ट चार्जिंग भी जरूरी है कि 30 मिनट चार्ज किए तो 4 घंटे की बैटरी लाइफ होनी चाहिए। थंडरबोल्ट 4 भी इंपॉर्टेंट है, और एक और चीज है इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन, जिसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, वो भी होनी चाहिए, तब जाके एक लैपटॉप जो है ईवो सीरीज के प्लेटफॉर्म पे बोला जाएगा। ये सारी बातें मैंने क्यों बताई है सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं इसके डिजाइन के बारे में बताता हूँ। सबसे खास बात इस लैपटॉप की है 870 ग्राम इसका वेट होना। मतलब जब मैंने इसको पहली बार उठाया था ना, तो मैंने थोड़ी ज्यादा फोर्स लगाई और अजीब सा, मतलब मेरे को शॉक सा फील हुआ कि इतना हल्का लैपटॉप कैसे है। पता है अजीब बात क्या, आज के टाइम पे कोई भी प्रीमियम टैब आप देखोगे ना, जैसे कि ये है, ये भी 600 ग्राम्स के आसपास अपना वेट लेकर आता है, और अगर आप इसके ऊपर कीबोर्ड वाला कवर भी लगा लोगे तो शायद 800 ग्राम्स मैच कर जाए, जो कि इस लैपटॉप का है। और भाई ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, और नो डाउट इस लैपटॉप की ना वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से कर रखी है, इसलिए भी लाइट वेट फील होता है। बल्कि एक हाथ से अगर आप इसकी लिड ओपन करते हो तो भाई इसका बेस वाला एरिया उठता भी नहीं है, और आपने नोटिस किया कि विद इन 1 सेकंड जो है लैपटॉप वेक भी हो गया, जो ईवो सीरीज वाली बात बताई थी ना। और नो डाउट मेरे को इस लैपटॉप की फिनिशिंग बहुत अच्छी लगी है, ये जो है एंटी फिंगरप्रिंट एल्यूमिनियम फिनिश है, और भाई नहीं आते फिंगरप्रिंट, ये चीज मैंने नोटिस की है, और बहुत अच्छी फिनिश है। बट मैंने नोटिस किया है कि स्क्रीन में भी थोड़ा सा फ्लेक्स है, और साथ में जो है कीबोर्ड में भी हमें फ्लेक्स मिल जाता है अगर आप इस पे प्रेशर डालते हो। बट यहां पर अच्छी बात यह कि मिलिट्री ग्रेड के स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करता है, तो लाइक इतनी कंसर्न वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में इसको पता फेवरेट क्यों बोला था, 11.2 mm इसकी थिकनेस है, काफी पतले लैपटॉप में से एक है, और साथ में पोर्ट सिलेक्शन भी इन्होंने बहुत अच्छी रखी है, इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, यहां पर फुल साइज हमें HDMI मिलता है, टाइप सी पोर्ट है, साथ में थंडरबोल्ट 4 भी है, ये भी ईवो सीरीज में जरूरी है थंडरबोल्ट 4। और राइट साइड में हमें हेडफोन जैक USB 3.2 मिलता है, और साथ में माइक्रो SD कार्ड रीडर भी है जो कि 2 TB तक के कार्ड सपोर्ट करता है, और पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो कि काफी फास्ट वर्क कर रहा है। वैसे टैप करते ना लाइक भी हो जाएगी वीडियो, लाइक कर दो अभी तक नहीं किया तो। और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इस लैपटॉप से ना एक अच्छे स्पीकर एक्सपेक्ट ही नहीं किए थे। स्टिल यहां पर जो है 2 5 वॉट के स्पीकर मिलते हैं जो कि डाउनवर्ड फायरिंग है, डॉल्बी एटमॉस भी है, और AKG की ट्यूनिंग भी मिलती है, और स्पीकर्स जो है इनफ लाउडनेस लेकर आते हैं, और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात थी। हाँ, मैं श्योर हूँ काफी अच्छे स्पीकर्स है। स्टार्टिंग में ना मैंने ईवो प्लेटफॉर्म का एक फीचर बताया था इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन, वो उसका एग्जांपल बताता हूँ। इस लैपटॉप में जो है ना 1080p यहाँ पर वेबकैम मिलता है, जो कि अच्छी चीज है, ज्यादातर हमें 720p देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर जो इंटेलिजेंट कोलैबोरेशन की फीचर ये है कि बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो, ऑटो फ्रेमिंग भी है इसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। इनफैक्ट फेस पे इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं, और इन सब फीचर्स का ना मेन पर्पस ही ये है कि आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है अच्छी हो सके, तभी मैंने इसको प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा बताया था। कीबोर्ड की बात करूं तो जैसे बताया था फ्लेक्स है यहाँ पर, बट स्टिल टाइपिंग में मुझे कोई इशू नहीं है, अच्छा कीबोर्ड है। साथ में जो ग्लास ट्रैक पैड है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, काफी रिस्पॉन्सिव है, और विंडोज जेशर का भी सपोर्ट है। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। अब लाइट वेट होना तो मेरा फेवरेट फीचर था ही। इस लैपटॉप में ना 13.3 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आती है। अगर डिस्प्ले आउटपुट की बात करूं ना, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा आता है, खासकर कंटेंट अगर आप देखना चाहो तो। मेरे हिसाब से भाई ये लैपटॉप बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, काफी फाइन कलर से डिलीवर कर सकता है एक अच्छी शार्पनेस के साथ। इनफैक्ट सेटिंग्स में जो है ना सुपर AMOLED P3 प्रोफाइल भी मिलती है, अगर आप P3 की तरफ शिफ्ट करना चाहो, वहां से एक माइनर डिफरेंस जरूर आता है, और मैंने अपनी वीडियोस का प्लेबैक देखा है, क्योंकि मैं थोड़ी सी कलर एक्यूरेट तरीके से कलर ग्रेड करता हूं अपनी वीडियोस, तो मुझे अंदाजा था कि वीडियो से कलर है कैसे, तो मुझे एक्चुअली में आउटपुट बहुत अच्छा लगा है। और AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से ना व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे हैं, कॉर्नर से भी दिखती है, और क्योंकि यहां पर बेजल्स कम है तो इमर्सिव एक्सपीरियंस रहता है, और ये भी ईवो प्लेटफॉर्म की डिमांड रहती है, तो ये भी फुलफिल हो रही है। अगर बैटरी की भी बात करूं ना, तो थिन एंड लाइट के हिसाब से 63 वॉट आवर की जो कैपेसिटी है वो मेरे को सही लगी, क्योंकि जब मैंने इसको यूज किया ना, तो 10 से 11 घंटे का मुझे एक्चुअली में बैटरी लाइफ मिल रही थी, जो कि इन स्टैंडर्ड्स को देखते हुए चलूं तो
काफी सही है। इनफैक्ट चार्जिंग स्पीड भी ठीक है, यहाँ पर 65 वोल्ट सपोर्ट करता है और 30 मिनट के अंदर हमें 40% चार्ज करके दे देता है लैपटॉप को। शॉर्ट बैटरी डिपार्टमेंट इसका अच्छा है। अगर मैं कनेक्टिविटी की भी बात करूँ ना, तो यहाँ पर वाईफाई 6E भी मिलता है और साथ में ब्लूटूथ 5.1 भी है, और जो मैंने आप लोग को फास्ट चार्जिंग और जो कनेक्टिविटी बताई ना, सारी ईवो प्लेटफॉर्म के स्टैंडर्ड्स है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो विंडोज 11 मिलता है। अब यहाँ पर कुछ प्री इंस्टॉल ऐप है जो कि सैमसंग से रिलेटेड है सारी। एक ऐप है गैलेक्सी बुक एक्सपीरियंस जो कि सैमसंग इकोसिस्टम की सारी लाइक चीजें बताता है। और हाँ, इसके अंदर जो है एमएस ऑफिस लाइफ टाइम के लिए फ्री भी मिलता है। और ये जो सैमसंग की एप्स मैंने बताई है ना, ये सच में इकोसिस्टम में बहुत हेल्प करती है। रिसेंटली मैंने सैमसंग इकोसिस्टम पे वीडियो बनाई है, काफी फैंटास्टिक वर्क करता है। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, क्योंकि इस लैपटॉप में जो है हमें इंटेल i7 12th जेन प्रोसेसर मिलता है जो कि पी सीरीज का है। और मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि जो ये पी सीरीज है ना, ये इंटेल के थ्रेड डायरेक्टर और हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे बेस्ड रहता है। इन दोनों टेक की वजह से ही जो है ना, इंटेल के 12th जेन वाले प्रोसेसर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रोसेसर है टोटल 12 कोर के साथ आता है, जिसके अंदर से 4 जो है परफॉर्मेंस कोर है और 8 जो है एफिशिएंसी कोर है, और साथ में 16 थ्रेड्स भी मिलते हैं। और ये सारी बातें तो है ही इंटरेस्टिंग, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हुआ है कि कैसे जो है ये फैंटास्टिक काम करते हैं प्रोसेसर। और इसमें भी अच्छी बात यह है कि सिर्फ 28 वॉट की इसकी बेस पावर है। इन शॉर्ट ये जो प्रोसेसर है ना, एफिशिएंट तो है ही, साथ में पावरफुल भी है। और ग्राफिक्स की बात करूं ना, तो इंटेल के एक्सी ग्राफिक्स मिलते हैं जो कि 4K डिस्प्ले सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी इस लैपटॉप में 16GB की LPDDR5 रैम भी है और 512GB की SSD भी है। ये सारी बातें तो स्पेक्स की थी। अगर मैं आप लोग को स्टैट्स दिखाऊं जो कि इसकी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जैसे कि सारे बेंचमार्क्स देखो। अब ये माइंड में रखना आप लोग को कि कितना थिन एंड लाइट लैपटॉप है ये, तब भी इस लैपटॉप में जो है हमें फैंटास्टिक परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ बताऊं कैसी परफॉर्मेंस है, तो मैंने लाइट रूम के अंदर ना 1600 फोटोज डाली, इसके अंदर जेपेग और रो दोनों मिक्स थी। टीम टेस्ट में ज्यादातर लैपटॉप्स में रन करता हूं, लेकिन इस लैपटॉप ने जो है 20 मिनट्स 38 सेकंड में एक्सपोर्ट कर दी। फिर मैंने हैंड ब्रेक में जो है 30 मिनट की पूरी फुटेज डाली जो कि 4K 30fps पे थी, और उसको कन्वर्ट किया 1080p 30fps पे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अराउंड 50 मिनट में इसने जो है कन्वर्ट कर दिया। इन शॉर्ट आप जितने भी प्रोडक्टिव टास्क करोगे ना इसके ऊपर, चाहे वो हैवी हो या फिर नहीं, तो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है। और मैं क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि थिन एंड लाइट है तो यहां पर गेमिंग ऐसा इतना अच्छा वर्क नहीं करती। मैंने ट्राई किया था, गेमिंग के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा ये अच्छा है, बट वैसे प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छी मशीन है। इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं ना कि लैपटॉप एग्जैक्टली में है कैसा, तो जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ईवो प्लेटफॉर्म के जितने भी रूल्स थे, जो स्ट्रिक्ट रूल्स थे, बताए थे, वो सारे तो ये फॉलो कर ही रहा है लैपटॉप, और साथ में हमें परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है। देखो, नो डाउट ये प्रीमियम लैपटॉप है जो कि एक्चुअली में एक प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रहा है, और यहाँ पर इकोसिस्टम भी मिल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 99,000 रुपीज से स्टार्ट होता है इसका एक मॉडल जो कि i5 के साथ आता है, और 1,20,000 तक जाता है, जिसमें 15 इंच के अराउंड स्क्रीन मिलती है और साथ में इंटेल का i7 प्रोसेसर मिलता है। आप अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इस बजट में लाइक कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो ईवो सीरीज के अगर आप कोई भी लैपटॉप उठाते हो तो ज्यादातर पोर्टेबल भी होते हैं और लाइक परफॉर्मेंस भी उनकी बहुत अच्छी होती है। अब इन शॉर्ट इंटेल के ईवो प्लेटफॉर्म वाले लैपटॉप चेकआउट कर सकते हो, अगर मतलब वो भी अच्छे रहेंगे। बट नो डाउट मुझे ये लैपटॉप काफी पसंद आया, लाइक एक्चुअली मेरी फेवरेट की कैटेगरी में आ चुका है। खैर, आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहां से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।